गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक फ्रॉग से। ये मुझे मिला था बट मम्मी बोल रही है कि इसको छोड़ दे, ये मर जाएगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे ये। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने उसको बंद कर दिया, पर मम्मी ने बोला इसे बंद करना ठीक नहीं है तो मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे टोटल 104 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये गाइस सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार और सब्सक्राइब नहीं किया होता तो आज मेरा ये देखने को नहीं मिलता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया और आगे भी आई होप कि आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट हों और मैं कब इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं। गाइस मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, बताती हूँ। एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं छोटी मोटी आर्टिस्ट हूँ। तो छोटी मोटी आर्टिस्ट हूँ तो फिर मेरे पास कुछ आर्ट का मतलब कुछ सामान होना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते। तो पहला आइटम है सीजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है क्राफ्ट में। और ये है पोस्टर कलर, आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें इस टाइप से कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, वाइट, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन। और ऐसे ही मैं दो बॉक्स लेके आई थी, तो एक ही रहा सेम वही, और इसमें भी कलर्स हैं रेड, येलो, ऑरेंज। मुझे कलर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे कलर्स का पेंटिंग वेंटिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है ऑयल पिस्टल्स, आप लोगों को मैं इसकी एक पेंटिंग बना के ज़रूर दिखाऊंगी। इसकी इन कलर की पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे ये ऑयल पिस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं। कि आप मेरी वीडियो को देख के बोर नहीं हो रहे होंगे ना। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको, ये है तो पेन का बॉक्स, लेकिन मैंने इसमें ये बॉक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है तो इसमें मैंने रख रखी है ग्लू गन। एक्चुअली मैंने ये टूट गई थी तो मैंने इसको इसमें रख रखा है। और ये जो चीज़ है गाइस, मैं आपको ये सबसे लास्ट में दिखाने वाली हूँ, मैं आपको ये अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये ही बहुत ही ज़्यादा क्यूटेस्ट मतलब जो बोलते हैं चीज़ है, ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको साइड में रख दिया है, मैं आपको उसको बाद में दिखाऊंगी लास्ट में। तो अब ये है एक डब्बी जो मैंने इसमें अपना खुद का सामान रख रखा है, मतलब थोड़ा डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं ना वो चीज़, तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा मतलब हार्ट वर्ड रखे हुए हैं। थोड़ा मुझे जैसे कुछ भी बनाने का मन किया तो मैं इसको एज अ स्टिकर लगा सकती हूँ। और एक ये ब्लैक कलर की भी है इसमें, मेरे और अब है ये। तो इसमें क्या है, जो भी मेरी रेजर शार्पनर्स वगैरह हैं वो मैंने इसमें रख रखे हैं। और इसमें है वो जो रंगोली पर रंगोली पर कह रही हूँ, फेस्टिवल पर कुछ रंगोली वगैरह बनाते हैं तो उसके जो कलर्स होते हैं ना थोड़ा ड्राई वाले, ये वो हैं। तो जब जैसे कोई
ये मेरे पास मेरे कॉलेज टाइम के रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं एक बार कॉलेज में रंगोली बनाई थी, तो रंगोली में मैंने हम लोगों की टीम थी, तो हम लोगों ने कॉलेज में रंगोली से सरस्वती मैया बनाई थी और हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो ये जो कलर्स बचे हुए थे तो वो मेरे पास अभी तक बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कोई फेस्टिवल आए तो अब मैं इनको यूज़ करूँ। और क्या है ना कि थोड़ा सामान को एडजस्ट करने के लिए तो मैं किसी ना किसी बॉक्स में रख देती हूँ, मुझे ऐसा बॉक्स वॉक्स ढूंढ के मैं उसमें रख देती हूँ। तो ये बॉक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये है डबल साइडेड टेप, और ये है रोल। आप लोगों ने देखा होगा बलून पार्टी में और बर्थडे पार्टी वगैरह में बलून बैलून के नीचे जो रिबन टाइप से होता है ना, थोड़ा कर्ली वाला, तो ये वही है। और ये पहला डबल साइडेड टेप था, तो ये पुराना हो चुका था, तो फिर मैं न्यू लेके आई थी क्योंकि ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैं इसको अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई हूँ। और ये है वाइटनर, ये मेरी सिस्टर के स्कूल के टाइम का है, मुझसे जो छोटी है उसकी। और ये तो फेविक्रिल है, फेविक्रिल, एंड दिस इज टू फेविक्रिल। और ये है सैनिटाइज़र, ये इस सैनिटाइज़र को मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी, ये मेरे पास मतलब इतना ही बचा रहेगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी स्मेल भी, तो इसलिए मैं इसको, मैं नहीं चाहती कि ये पूरी मैं एम्प्टी बॉटल कर दूँ, और तो इसलिए इसमें मैंने इतना सा बचा रखा है, लेकिन इसलिए बचा रखी ताकि ये मेरे पास हमेशा, मैं इसको कभी भी फेंकने वेंकने की नहीं सोचती, ये मेरे पास है हमेशा, मैं ये चाहती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है फेविकोल, आप तो जानते ही होंगे, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। और ये कुछ हैं टेप्स डेकोरेशन में, जैसे कार्ड वर्ड बनाते हैं तो उसके साइड में ये ब्लैक है, ये ट्रांसपेरेंट, एंड ये ब्लू, और ये भी ट्रांसपेरेंट। आई होप कि आप लोगों को मेरे आइटम पसंद आ रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाँ मैं ज़्यादा बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे पास ऐसे छोटा मोटा ही आइटम मिलेगा आपको। और ये है फेविक्विक, ये है कॉटन पैड्स, मतलब कि ये है कॉटन, आप लोग भी देख रहे होंगे, कुछ अलग टाइप की कॉटन है, ये मैंने अपने डैडी से मंगाई थी, उनके थोड़ा यूज़ में आता होगा, वो डेंटिस्ट हैं तो थोड़ा यूज़ में आता होगा, तो एक दिन मैं उनके लेने गई थी तो मुझे बहुत पसंद आई, कह रही तो मेरे काम की चीज़ है, मुझे तो मुझे दे दो, तो मैं उनसे ये बॉक्स लेके आई थी डायनापर्स का। तो ये कॉटन मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मुझे नेल पेंट रिमूव करनी होती है तो भी मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। और ये है ग्लू गन, ये जो स्टिक्स दिखाई थी मैंने ग्लू की स्टिक्स, वो इसी ग्लू गन की थी हैं। और ये, हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऑयल पिस्टल्स हैं और कुछ स्पार्कल ट्यूब भी है। ऑयल पिस्टल ना इसमें थोड़ा, मतलब एक बॉक्स था मेरे पास, दो ऑयल पिस्टल का बॉक्स था, एक ये रहा और एक जो जब मेरी दीदी की छोटी वाली बेटी आई थी, बहुत छोटी है तो उसमें इतनी समझ नहीं है, तो उसने मेरा इसका बॉक्स जो है वो फाड़ दिया था, तो ये तब से भटके भटके डोल रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी इसका एक बॉक्स बना लिया और इन सभी ऑयल पिस्टल्स को डाल दिया इसमें। और ये इसमें छोटी छोटी वो भी पड़ी हुई हैं, आप जानते होंगे कि ये लूडो की हैं, मुझे लूडो अब ज़्यादा पसंद नहीं है। सो आई होप कि आप मेरी वीडियो को देख के बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसी वीडियो में बोर हो जाते हैं पक 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 पक। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वैक्स क्रेयॉन्स, जो कि ये यूज़ किए हुए वैक्स क्रेयॉन्स हैं जो मैंने इस बॉक्स में बंद कर रखे हैं। और इसमें कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं, बटरफ्लाइज के स्टोन्स वगैरह,
और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टिकर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बटरफ्लाइज ये स्टिकर साली, तो आई लाइक सो मच। और इसके अंदर भी आपको जो स्टोन वाले स्टिकर्स दिख रहे हैं ना, ये भी इसके इस पैकेट के अंदर वही हैं। और ये हैं कुछ, मतलब कि आपने देखा होगा कि इसके फ्लावर्स बनते हैं पीकॉक्स वगैरह, तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने राखी की वीडियो भी डाली थी, तो राखी में जो फ्लावर बनाए थे मैंने वो इन्हीं स्ट्रिप्स से बनाए थे। और ये बॉक्स इसमें क्या है देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया ना कि मेरे पास ना काफ़ी सारी यूज़ की हुई पेंसिल इकट्ठी हो गई थी, काफ़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो वो सब पेंसिल्स ना मैंने इसमें जो यूज़ कर चुकी हूँ मैं वो इसमें डाली थी मैंने, जैसे ये हैं और कुछ इसमें पड़े हुए हैं स्पार्कल पेंस, ब्लैक हुआ, सिल्वर हुआ, और ये ब्लैक है, और ये ग्रीन पेन है, और बाकी के इसमें हैं कुछ पेंसिल कलर्स, कुछ इस टाइप से जो पेंसिल शेडिंग वाले कलर्स जो होते हैं वो, ये तो कुछ पेंसिल कलर्स और कुछ यूज़ की हुई पेंसिल्स हैं इसमें। और हाँ अभी तो इसी बॉक्स में बाकी है, मैं तो दूसरा देखने को जा रही थी। और ये है जो पेंसिल्स जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हैं, ये पेंसिल बॉक्स अभी मेरे पास रखा हुआ है। और इसमें जो भी स्केच कलर है वो मैंने इसमें रख रखे हैं, जैसे कि ब्लैक एंड हाइलाइटर और ब्राउन और ब्लैक मार्कर, और ये थोड़ा मोटा वाला, और ये ब्लू स्केच, ऐसे कई सारे इसमें स्केच हैं, स्केच पेन। सो और ये हैं मतलब कि कुछ रिबन्स वगैरह, तो जो मैंने वो क्लिप में बांध रखे हैं जिससे कि कहीं जाए ना, तो उसमें कुछ रिबन्स वगैरह हैं। ये है पैकेट, तो इसमें मैंने जो कॉटन वगैरह जो भी यूज़ करनी होती हैं, और ये थोड़ा वाइप वाइप करने के लिए छोटा सा, तो वो मैंने इसके अंदर रख रखी हैं कॉटन्स वगैरह। और ये है मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे हम लोग कुछ भी बनाने बैठते हैं तो पेपर्स वगैरह, तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें है कई सारे अलग अलग टाइप्स के पेपर्स। ये है जैसे कि रेड है, और ये पिंक ग्लिटर शीट, और मेरे को ना ये पर्पल, और मुझे ना कि मतलब मैं क्या करती हूँ ना कि जो भी जैसे घर में जैसे किसी की शादी वादी होती है और कार्ड्स वगैरह आते हैं, तो मैं इनको उठा कर रखती हूँ, वो मेरे बहुत काम आते हैं, कुछ कार्ड वार्ड बनाना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये कार्ड जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड ने मुझे दिया था, संचिका नेम है उसका, वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड है मेरी, और ये कार्ड गाइस उसने अपने हाथों से खुद मेरे लिए बनाया था। मैं आपको इसमें लिखा उस, और ये कार्ड उसने मेरे बर्थडे पे दिया था, तो लिखा है हैप्पी बर्थडे 2019 विधि, और उसका नेम संचिका। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कार्ड, तो इस कार्ड में लिखा है हैप्पी बर्थडे डियर, यू आर माई ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी एवरी सिंगल टाइम। मुझे बहुत कार्ड पसंद आया था गाइस, उसने मेरे लिए बनाया था इतनी मेहनत से, थैंक यू फॉर बीइंग माय सच अ वंडरफुल फ्रेंड। मैंने सोचा नहीं था हम इतने जल्दी इतने कम टाइम में अच्छे दोस्त बन जाएंगे एंड इतना समझेंगे एक दूसरे को। थैंक यू संचिका, थैंक यू सो मच अगेन। और अभी कुछ टाइम पहले वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तब वो ये लेके आई थी, ये भी बर्थडे गिफ्ट था, हैप्पी बर्थडे। और इस
में हम लोगों का कॉलेज फोटो भी है, संचिका और मेरा, यू मेक मी सिंग। तो गाइस मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वीडियो को ज़्यादा लंबा और थोड़ा सा बोरिंग ना करते हुए तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि इसमें है क्या। तो रेडी हो? तो फिर ठीक है, देखते हैं। तो इसमें है ये छोटू सा डाइव, कितना प्यारा है ये, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत 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 ज़्यादा। जब मेरे डैडी लूडो लेने गए थे, टेबल लूडो, तो उन अंकल ने ये उनको गिफ्ट दिया था, मतलब कि ये गिफ्ट में आया था, लूडो के साथ ही गिफ्ट में आया था। बहुत ही ज़्यादा क्यूटेस्ट गाइस, इतना छोटा डाइस मैंने पहली बार देखा था, तब से मैंने सोच लिया मैं इतने छोटे से डाइस को अपने पास रखूँगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो और मेरा ये छोटा मोटा क्राफ्ट का सामान अगर पसंद आया हो, और स्पेशली ये छोटू सा डाइस अगर आपको पसंद आया हो, तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।